हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ची मेकओवर आर्टिस्ट और मैं हूं अर्चना। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बायोटिक के प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि ये मैंने वो मेकअप लुक आप देख रहे हैं कि क्रिएट किया है मैंने। सो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। एंड पिछली बार मैंने गुड वाइब्स के प्रोडक्ट का रिव्यू किया था, इस बार मैं आप लोगों को बायोटिक के प्रोडक्ट का रिव्यू बताऊँगी, जिसमें से तीन चीज़ें हैं, जिसमें एक क्लिनजिंग है, टोनिंग है एंड मॉइस्चराइज़र है। क्लिनजर में मैं एक फेस वॉश का आपको रिव्यू देने वाली हूँ, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि पहले मैं उसको यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी कि उसका इफेक्ट मुझ पर क्या होता है। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बायोटिक के जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही थी वो ये तीन प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हैं। जिस जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ वो है बायोटिक का फेस वॉश, जो कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था कि मैं इसको यूज़ करने के बाद आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। सो ये है बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो पपैया विजिबली फ्लॉलेस स्किन फेस वॉश है। ये जो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए रहता है, जो आयुर्वेदिक रेसिपी है, 100% बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं इसमें। सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें कैसा रहता है कि इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आते हैं, लाइक आपको ये स्क्रब का भी काम करेगा, और ये लगाने से आपके स्किन पे स्मूदनेस आ जाती है, एकदम क्लीन हो जाता है आपका फेस, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो आयुर्वेदिक आप लोगों को पता है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमारे फेस पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के नहीं होते, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, जो कि मैं अभी अराउंड 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। पहले मैं यूज़ कर रही थी गुड वाइब्स का लेमन वाला फेस वॉश, जो फॉर्मिंग फेस वॉश था, उसका रिव्यू भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। सो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बायोटिक का एक फेस वॉश यूज़ करूँ। ऑलरेडी पहले भी मैंने यूज़ किया है, पर मैंने सोचा कि मैं ये पपैया वाला फेस वॉश ट्राई करूँ, तो इसलिए मैंने ये बाय किया था। और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में गाइस मुझे मिला है, अराउंड 100 के अंदर ही मुझे ये फेस वॉश मिला है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके फेस पर नहीं करेगा। जो कि सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है टोनर, जो कि आप देख सकते हैं ये बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो कुकुम्बर टोनर है, जिसमें पोर टाइटनिंग टोनर विथ हिमालय वाटर्स है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। मतलब इसमें नॉर्मल टू ऑयली स्किन सारे जो स्किन टाइप हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी आयुर्वेदिक रेसिपी है, जो 100% बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। सो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी आप अगर यूज़ करते हैं तो आपके फेस पे एक फ्रेशनेस आ जाती है। एंड सेकेंड थिंग, जो हम फेस वॉश करते हैं उससे हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए टोनर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज, टोनर का आप कभी भी स्किप मत करो, कोई भी किस टाइप का भी आप अगर आप मेकअप कर रहे हो ना, नॉर्मल या फिर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हो, तो भी डेली यूज़ में आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। इसको ऐड अपने स्किन केयर में आपको इसको आप ऐड कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए, राइट। सो थर्ड में आपको जो यहाँ पर बता रही हूँ वो है मॉइस्चराइज़र, जो कि ये वाला है, ये बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस सन प्रोटेक्टर 30+ SPF UVA UVB सनस्क्रीन है, जो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब सारी स्किन टाइप वाले आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये सनस्क्रीन एज अ सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र दोनों का काम करता है। गाइज, अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, कोई भी फंक्शंस में जा रहे हो, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि आप अगर सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, आप सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो आपकी स्किन में टैनिंग पड़ सकती है, पिगमेंटेशन हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको ऐड ज़रूर कीजिए, सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। आप कहीं भी बाहर जाते हो सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर कीजिए। और ये भी आयुर्वेदिक रेसिपी है, जो 100% बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। और ये आपकी स्किन को एकदम फ्लॉलेस मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है। एंड सन के कॉन्टैक्ट में आने से आपके स्किन पे जो पिगमेंटेशन हो जाते हैं उसको रिमूव करने में भी ये हेल्प करता है। तो गाइज़, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सो बायोटिक के मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं, कोई केमिकल वाले नहीं होते। और ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि 100% बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं गाइज।
सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। एंड दूसरी चीज़, ये जो फेस वॉश है ये बहुत अच्छा फेस वॉश है गाइज, भले ये इसकी प्राइस बहुत कम है लेकिन ये काम बहुत अच्छा करता है। और ये फेस वॉश के साथ साथ एक स्क्रब का भी काम करेगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है, राइट। तो उससे क्या रहेगा कि आपकी स्किन पे जितने भी डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे एंड आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस रहेगी, एकदम अच्छी हो जाएगी, लाइक एकदम स्मूथनेस आपके फेस पर दिखेगा। तो ये सारे जो तीन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आपने ये वाला देखा ही होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसको यूज़ किया हुआ है। और टोनर तो मैं वैसे भी यूज़ करती हूँ, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको बाय करना है तो भी आप उस लिंक पर क्लिक करके उसको बाय कर सकते हैं, राइट। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं इस लुक में कैसी लग रही हूँ, मेरा ये मेकअप लुक आपको पसंद आया या नहीं। सो प्लीज़ आप मुझे बताइए। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं न्यू न्यू वीडियोज़ डालती हूँ वो आपको सबसे पहले मिलती रहे नोटिफिकेशन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।